Okay, as we already know that today is the webinar presentation for the teachers, and last time me and Shubham sir were presenting. This time two teachers who were presenting, and their names are Mr. Abhay Sinha and Mr. Prem Kumar. So I would like Abhay sir to represent over there, and you will be asking the question after sir will be finishing his presentation. And everyone pay attention to sir. Sir, can you hear me? Can you raise your hand please so that I can unmute you? Abhay sir, raise. Okay, no, raise your hand in this because I have to unmute you. Raise your hand in Zoom. Okay, Abhay sir, unmute yourself now. आवाज मिल रही है सर? हाँ सर, perfect. मेरी आवाज? हाँ सर, perfect. आप screen share करके पढ़ाइएगा या फिर direct speech दीजिएगा? नहीं, direct speech. Okay, okay sir. So, direct speech देंगे. Okay sir, up to you now. Now students, be ready for the questions at the last. Okay sir, you can start now. Thank you. Okay. CPS पटना के तत्वधान में आयोजित इस वेबिनार के आज तीसरे दिन मैं अभय सिन्हा आपका हिंदी शिक्षक आप सभी को सुप्रभात. इस मुश्किल घड़ी में आज हम लोग इस वेबिनार के माध्यम से पढ़ाई के अतिरिक्त कुछ नया कर पा रहे हैं. इसके लिए सबसे पहले मैं CPS के मैनेजमेंट को धन्यवाद देता हूं. पिछले दो दिनों से आपने सुना, कुछ शिक्षकों को सुना, कुछ स्टूडेंट्स को सुना, और एक अच्छा प्रयास CPS मैनेजमेंट के तरफ से तो कुछ नया क्रिएटिव वर्क हम लोग कर पा रहे हैं, तो यही एक बहुत बड़ी बात है. और जो मैं आज बात करने जा रहा हूँ, आज जो जिस विषय पे मैं अपनी बात रखूँगा, अपने विचार रखूँगा, वह है लीडरशिप बिल्डिंग. लीडरशिप बिल्डिंग. अभी देखिए, हम लोग ये सिचुएशन में काम कर रहे हैं, तो ये भी एक लीडर का ही गुण है कि आप किस तरह से चुनौतियों का सामना करते हैं. मैं अपनी बात को अभी फिर विस्तार से बतलाऊंगा. लीडर का यह भी एक आवश्यक गुण होता है, चुनौतियों को स्वीकार करना. और हमारे मैनेजमेंट ने, हम सभी ने इस चुनौती को स्वीकार किया, तो कहीं ना कहीं हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे गुण हैं. अब आते हैं अपने मूल विषय पर, लीडरशिप बिल्डिंग. तो आज सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि लीडरशिप का अर्थ सिर्फ हमारे मन में जो एक लीडर शब्द सुनते ही जो एक तस्वीर उभरती है, एक जो चित्र बनता है मस्तिष्क में, वो किसी नेता का बनता है. लेकिन लीडर सिर्फ नेता ही नहीं होता. आज हम किसी भी फील्ड में चले जाएं, वह कोई फील्ड हो सकता है, खेल का हो सकता है, कॉरपोरेट सेक्टर में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो सबसे ज्यादा डिमांड एक लीडर की होती है. लीडर, आप देखिए, लीडर की किस लिए डिमांड होती है कि आपको फॉलोवर बहुत मिल जाएंगे, लेकिन लीडर का मिलना मुश्किल होता है. तो व्यक्ति को लीडर कैसे बनना है, लीडर बनने के लिए क्या क्या आवश्यक बातें हैं, तो सबसे पहले कि आज हम सब कामयाब बनना चाहते हैं. पहली बात कि कामयाबी कौन नहीं चाहता, कामयाबी हर वह व्यक्ति चाहता है. आप किसी व्यक्ति से पूछ ले, चाहे वह 10 वर्ष का हो, 15 वर्ष का हो, 25-30 वर्ष का हो,
तो हर एक व्यक्ति जो है वह कामयाब बनना चाहता है, लेकिन सब लोग कामयाब नहीं बन पाते। कुछ लोग कामयाब बन पाते, मात्र 1% जो लोग होंगे वह कामयाब होते हैं, बाकी 99% लोग उसके फॉलोवर होते हैं। तो वही 1% लीडर कहलाता है और 99% जो है वह उसका फॉलो करता है, वह फॉलोवर होता है, वह अनुसरण करता है। तो आज किसी भी फील्ड में हम चले जाते हैं तो एक अच्छे लीडर की काफी डिमांड होती है। फॉलोवर बहुत मिलेगा, लीडर जो आपको अपनी ऊंचाइयों तक ले जाता है, आप आसमान छूने लगते हैं। आपके अंदर अगर कुछ ऐसे गुण हो जो एक लीडर में होना चाहिए, उस गुण का भी मैं चर्चा करूंगा कि क्या क्या वो होना चाहिए। अगर वह गुण होता है तो वह व्यक्ति अर्श, फर्श से अर्श तक पहुंच सकता है। तो सामान्य भाषा में अगर लीडर की परिभाषा की बात कहें तो सामान्य भाषा में हम इसको कहते हैं, कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं। ठीक है, सामान्य भाषा में यदि एक लीडर की बात करें कि लीडर कौन, नेता कौन, तो नेता वह जिसका अनुसरण बहुत सारे लोग करते हैं, जो अपने प्रभाव के द्वारा लोगों का नेतृत्व करते हैं, लोगों के सोच को परिवर्तित करते हैं। लीडर हम देखते हैं कि दो प्रकार के लीडर आप देखते होंगे, एक बाय पोजीशन और एक बाय इन्फ्लुएंस, एक बाय पर्सनल पावर जिसको कहते हैं। पोजिशनल लीडर भी होता है, किसी राजा का बेटा राजा बन गया, तो ऐसे हमने इतिहास में बहुत देखे हैं कि इस तरह का पोजीशन वाला लीडर अपने साम्राज्य को डुबो देता है, लेकिन जिसके अंदर पर्सनल पावर होता है वह डूबे हुए साम्राज्य को खड़ा कर देता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी हम देख सकते हैं, तो एक व्यक्ति का नाम तो आप सब जानते हैं जो किसी पार्टी में है, नेतृत्व कर रहा है, लेकिन नेतृत्व करते हुए पार्टी को नेतृत्व विहीन कर चुका है। मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो अपने पोजिशनल पावर के द्वारा नेतृत्व कर रहा है और पार्टी को नेतृत्व विहीन कर चुका है। दूसरी ओर हम महात्मा गांधी को देखते हैं, जिसके पास पर्सनल पावर था, जिन्होंने अपने अंदर की शक्तियों के द्वारा इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला करके रख दिया। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी बातें होनी चाहिए। चलिए अब अपने मूल विषय पर आते हैं कि ऐसी कौन सी बातें एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए जो उसे लीडर बनाता है। तो लीडर शब्द का आप एब्रिविएशन यदि करके हम लोग देखें तो लीडर का जो खूबी है, जो क्वालिटी है, उससे लीडर शब्द से ही निकल करके आ जाता है। एक अच्छा लीडर कौन बन सकता है, तो सबसे पहले इसका जो पहला लेटर जिसको जिसको पहला वर्ण होता है वह होता है एल, है ना। एल फॉर का मतलब अर्थ होता है लीड बाय एग्जांपल, मतलब व्यक्ति को एक अच्छा नेता वह व्यक्ति एक अच्छा लीडर वह तब बन सकता है जब वह अपने एग्जाम्पल के द्वारा अपने आप को दिखाकर, अपने आप को आगे रख करके लीड करता है। ये एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। वह नहीं जो सुनी सुनाई बातें किताब रट लिया और नेतृत्व करने के लिए उतर गए, तो जिसके पास कोई काम करने का जिसके पास अनुभव नहीं है तो ऐसा व्यक्ति जो है वह लीड नहीं कर सकता, वह अच्छा व्यक्ति लीडर नहीं बन सकता है। मान लीजिए कि आपने कभी क्रिकेट नहीं खेला
और आपको उस क्रिकेट टीम का हम कैप्टन बना देते हैं। आपने किताबें पढ़ी, बहुत सारी कमेंट्री टीवी पर मैचेस को देखा है, लेकिन आपके पास खेलने का अनुभव नहीं है। तो फिर उस टीम का क्या होगा? वह टीम हर हाल में पराजित और परास्त होती रहेगी। तो किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल ज्ञान जो आप किसी व्यक्ति के पास जब होता है, जो वह खुद को कर चुका होता है, उसे पता होता है कि इसकी क्या बेनिफिट्स हैं और इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो लीडर यानी कि एल लीडर, लीड बाय एग्जांपल, अपने आप को उदाहरणों के द्वारा अपने आप को सामने रख करके जो लीड करता है, तो पहली क्वालिटी तो ये होना चाहिए कि वह व्यक्ति लीड बाय एग्जांपल, अपने आप को उदाहरण के द्वारा वह प्रस्तुत कर सके। दूसरा इसका शब्द वर्ण लेटर जो आता है वह एल के बाद ई आता है। ई का मतलब होता है एंथुजियास्टिक, यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे तो उत्साहित। व्यक्ति को उत्साहित, एक अच्छे लीडर को हमेशा उत्साह से भरा होना हुआ होना चाहिए। उत्साहित व्यक्ति ही जो बड़े से बड़े काम को वह कर सकता है। अतोत्साहित व्यक्ति बड़े से बड़े काम को डुबा भी सकता है, क्योंकि उसके अंदर उत्साह नहीं है, वह निराशा से ग्रसित है, उत्साह से काम नहीं करता। तो टीम को आगे बढ़ाने के लिए यदि आप अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर एक उत्साह का होना जरूरी है। उत्साहित हैं तो टीम में आप उत्साह भर सकते हैं, और जब टीम में उत्साह बढ़ेगा तो वह आगे बढ़ता ही जाएगा, उसे फिर कोई पीछे नहीं ला सकता। तो एल यानी कि एंथुजियास्टिक व्यक्ति को उत्साहित होना चाहिए, पहला मैंने बताया था एल, उसके बाद ई, उसके बाद ए आता है। ठीक है, ए यानी कि व्यक्ति को एम्बिशस होना चाहिए, एक अच्छे लीडर के अंदर एम्बिशन होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए, वह महत्वाकांक्षी होना चाहिए। तो एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, अगर आपके अंदर महत्वाकांक्षा नहीं है, कुछ करने की इच्छा शक्ति नहीं है, तो आप कोई भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो एक अच्छे लीडर के अंदर इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, जब शुरू शुरू में हमारे यहाँ फोन नहीं था और धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस की स्थापना किया, तो उनका एक यह महत्वाकांक्षी योजना वह लेकर के आए। वह चाहते थे कि मैं प्रत्येक भारतीय के हाथ में मोबाइल का फोन देखना चाहता हूँ। और उन्होंने इसी उत्साह के साथ एक टीम का गठन किया, और उसका परिणाम हम लोगों के सामने है। उन्होंने ऐसा कर दिया जिसके कारण आज हमारा जीवन एक अधूरा सा लगता है। अगर आपके हाथ में मोबाइल नहीं है, तो मोबाइल नहीं है इसका मतलब आज हमारा जीवन लगता है ठहर सा गया है, रुक सा गया है। तो एम्बिशन का होना, महत्वाकांक्षी होना बहुत ही जरूरी है। कोई भी बड़ा गोल आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपके पास एम्बिशन होता है, आप एम्बिशियस होते हैं। उसके बाद आता है अगला अक्षर जो है वह डी, डी एल ई ए डी, डी फॉर डिटरमाइंड, यानी एकाग्र होना, एकाग्रचित होकर। आप किसी भी फील्ड में हो, आप पढ़ाई के फील्ड में भी हैं, तो जब तक आपके अंदर एकाग्रता नहीं आता है, आप छोटे से छोटा काम करते हैं, बड़े से बड़ा काम करते हैं, कोई भी आप काम करते हैं, तो आपके अंदर एकाग्रता का होना बहुत ही जरूरी है।
अगर एकाग्र नहीं होता है आदमी तो वह व्यक्ति भ्रमित रहता है, और भ्रमित व्यक्ति न तो अपना भला कर सकता है, न देश का, न समाज का, किसी का वह भला नहीं कर सकता है। आपने अपने रोजमर्रा के जीवन में भी इस बात को अनुभव किया होगा कि आप जब एकाग्र होकर पढ़ते हैं, एकाग्र होकर स्कूल में आते हैं, बैठते हैं क्लास में, तो बहुत सारी बातें आप समझ पाते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से भी देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप कोई व्यक्ति है, वह राजस्थान के रेगिस्तान में भटक रहा है, प्यास लगी हुई है, पानी है नहीं, उसे पता है कि अगर गड्ढा खोद देंगे तो पानी अवश्य मिलेगा। वह प्रारंभ तो करता है, अगर एकाग्रता के साथ नहीं करता है तो क्या होगा, वह प्रारंभ करेगा, एक गड्ढा खोदेगा, 10 फीट तक नीचे गया, देखा पानी नहीं है, फिर वो आगे बढ़ेगा, दूसरा गड्ढा खोदेगा, फिर देखेगा कि पानी नहीं है, तीसरा किया, फिर 10 फीट 12 फीट करके छोड़ दिया कि यहाँ भी पानी नहीं मिला। इसी तरह वह 5-6 बार प्रयास करता है, 5-6 गड्ढा खोद देता है, 10-10 12-12 फीट का, और अंततः वह मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन वही अगर कोई एकाग्रचित व्यक्ति है जिसके पास डिटर्मिनेशन है, जो एकाग्र होकर काम करता है, वह क्या करेगा, वह उसी गड्ढे को पहले 10 फीट खोदेगा, नहीं मिला, फिर वह आगे 10 फीट और खोदेगा, नहीं मिला, फिर वह फिर खोदेगा, और फिर जाकर उसे पानी प्राप्त होना ही होना है, हो ही जाएगा, वो अपने लक्ष्य में, अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है। यहाँ पर एक बात और हम समझ सकते हैं कि आप एकाग्र होकर जब काम करते हैं तो कम मेहनत करते हैं। पहले वाले व्यक्ति ने ज्यादा मेहनत किया, 5 गड्ढे खोदे, 10-10 फीट का खोदा, 5 गड्ढा खोदा, और वह 50 फीट लगभग गड्ढा खोद दिया। लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला, परिणाम वही 0, और अंततः वह इस दुनिया से रुखसत भी, विदा भी हो गया। लेकिन दूसरा व्यक्ति एक ही जगह एकाग्र होकर उसी काम को निरंतर लगातार करता रहा, और करने के का जो परिणाम निकला, उसने कम मेहनत किया, पानी प्राप्त कर लिया और अपने जीवन को बचा लिया। तो यह डिटर्मिनेशन होता है एकाग्रन, एकाग्र होकर के। आपने अक्सर बगुले को देखा होगा, बगुला जो एक पक्षी है, वह किसी जलाशय में के किनारे, जलाशय के किनारे बैठा हुआ ध्यान लगाकर, आंख मूंद करके एक तपस्वी की भांति बैठा रहता है एकाग्र होकर, और जैसे ही कोई मीन कोई मछली आती है वह चट कर जाती है उसको। तो एकाग्रता होने से, एकाग्र व्यक्ति जो होता है, जिसके अंदर एकाग्रता होता है, वह कम समय में कम मेहनत करके अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। उसके बाद LED हो गया, उसके बाद फिर ई आता है, ई यानी कि इनकरेज अदर्स, दूसरे को भी प्रोत्साहित करना। एक अच्छे लीडर का ये क्वालिटी होना होता है, एक अच्छे लीडर में क्वालिटी होनी ही होनी चाहिए। एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपके अंदर इस क्वालिटी का होना भी अति आवश्यक है कि आप जो है दूसरे को इनकरेज करें, दूसरे को बढ़ावा दें, अतोत्साहित न करें, उत्साहित करें। तो अपने टीम मेंबर, आप जो टीम बना रहे हैं, उस टीम मेंबर को प्रोत्साहित करते रहने से बड़ा काम अच्छा हो जाता है, आसान हो जाता है।
काम करवाना, अगर आप चाहते हैं कि आप टीम लीडर हैं और आप चाहते हैं कि अच्छे ढंग से मेरा काम हो जाए, तो आप अपने टीम को जोश और उत्साह से भरपूर रखिए। जोश और ऊर्जा उत्साह की कमी न होने दीजिए। उत्साहित व्यक्ति बड़े से बड़ा काम कर डालता है। उत्साह से एक अंदर की एक एनर्जी, एक ऊर्जा महसूस होता है और वह असंभव को भी संभव करने का काम करता है। इसके बाद इसका अंतिम जो लेटर है, वर्ण अक्षर जो भी आप कहें, समझ लें, इसे तो हिंदी सप्ताह, हिंदी दिवस का समय है, अभी हिंदी ही ज्यादा, वैसे मेरा सब्जेक्ट भी हिंदी है, तो आर यानी कि रेडी टू लर्न एंड टीच, अंतिम जो इसका लेटर है आर, आर का अगर हम फुल फॉर्म देखें, एब्रिविएट करें इसको, तो रेडी टू लर्न एंड टीच। एक अच्छा लीडर हमेशा कुछ न कुछ सीखने और सिखाने के लिए तैयार रहता है। एक अच्छे लीडर बनने के लिए आपको हमेशा सीखने और सिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए। चाहे वो आप कहीं से सीख सकते हैं, सीखना क्योंकि ये परिवर्तन जो है वह प्रकृति का नियम है, हम इस नियम से अलग नहीं हो सकते। हमें ये पता होना चाहिए, एक अच्छे लीडर को ये पता होना चाहिए कि परिवर्तन जो है वह प्रकृति का नियम है, हर क्षण यहाँ परिवर्तन होता रहता है और इस परिवर्तन में अपने आप को कुछ सीख करके, कुछ सिखा करके अपने आप को ढाल लेना एक अच्छे लीडर की वो क्वालिटी होती है। तो इन छह, मैंने अभी छह क्वालिटी एक लीडर का बताया, मतलब इसका अर्थ ये नहीं कि सिर्फ इस छह के अलावा और कुछ नहीं है, नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें आप हो सकता है, होता है, इसके अलावा भी यदि हम बात करें तो एक लीडर के अंदर, ये तो मैंने सिर्फ एक एब्रिविएट करके आपको बता दिया कि लीडर में ये कम से कम एटलीस्ट कितना होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर, इसके अलावा भी हम बात करें तो एक लीडर के अंदर एक कम्युनिटी बिल्डअप करने का गुण भी होना चाहिए। एक ऐसा गोल आप सेट करें जो सिर्फ आपका अपना न हो, आपके साथ काम करने वाले लोगों का भी वह गोल हो जाए। आप कोई ऐसा काम यदि करते हैं और लोगों से करवाते हैं जिसमें सिर्फ आपका अपना फायदा होता है, तो ऐसे लोग आपके साथ चलेंगे, दौड़ेंगे, थक जाएंगे, छोड़ देंगे। लेकिन जब आप अपने लक्ष्य को सामूहिक लक्ष्य बना देंगे, यानी कि सबको फायदा होगा उस लक्ष्य से, आप एक अच्छा लीडर जो होता है वो अपने गोल को सिर्फ अचीव नहीं करता बल्कि उस सभी का, उस गोल को सभी के लिए बना देता है कि सब लोग मिलकर इसको अचीव करना है, तो ऐसे लीडर के लिए लोग दिल और दिमाग से काम करते हैं। जो पर्सनल गोल सेटअप करते हैं उनके लिए लोग हाथ और पैर से काम करते हैं। लोग थक जाएंगे, पर्सनल गोल अचीव आप अपना कराना चाहते हैं तो लोग थक जाएंगे, इसीलिए कम्युनिटी बिल्डिंग करना लोगों के लिए बहुत, एक अच्छे लीडर के लिए बहुत ही जरूरी होता है। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, महात्मा गांधी का उदाहरण है जिन्होंने लक्ष्य अपना निर्धारित नहीं किया था कि भारत को आजाद कराना है, उनका लक्ष्य था भारत को अपना नहीं कि हम आजाद हो जाएं, भारत
चला जाए, नहीं उन्होंने एक लक्ष्य पूरे समुदाय के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि नहीं मुझे भारत को आजाद कराना है, भारत के लोगों के अभिमान स्वाभिमान और की बातें को लेकर के उन्होंने एक बड़ा आंदोलन चलाया। तो सब लोगों को क्यों लगा, इसके पहले भी आंदोलन चल रहा था, ऐसा नहीं आजादी का आंदोलन इसके पहले भी होता रहा था, लेकिन लक्ष्य महात्मा गांधी ने प्राप्त किया। कैसे, आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि उन्होंने इस लक्ष्य को सर्वसामान्य का लक्ष्य बता दिया कि ये तुम्हारा भी लक्ष्य होना चाहिए, हमारा तो है ही, सभी जन समुदाय का लक्ष्य होना चाहिए। और जब लोगों को ये विश्वास हो गया कि नहीं ये हमारे हित के लिए है, हमारे बेनिफिट के लिए है, हम लोग आजाद होंगे, भारत आजाद होगा, तो सब लोगों ने जी जान से अपने तन मन को समर्पित कर दिया और भारत आजाद हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ओवर टू राजीव सर। या तो ये आपका एक पर्सनल आप स्टोरी बता दिए। अब स्टूडेंट्स लोग आप लोग ये बात समझो कि यूट्यूब पे जो भी आप लोग पढ़ रहे हो 100% आप लोग नहीं जान सकते हो यूट्यूब से, जब तक कि एक मेंटर एक टीचर आपको हर एक सेंटेंस के बारे में नहीं बता रहा है कि उसका इनर मतलब क्या है, इनर डेप्थ क्या है। ओके सो ये तो बस कहानी के बारे में बात हुआ, मैं स्पेशली सब वही स्पेशली बोल रहे थे किसी लिटरेचर या लिटरेचर हिंदी हो गया इंग्लिश हो गया, अगर उसके बारे में जानना चाह रहे हो तब आप लोग को टीचर की आवश्यकता पड़ेगी।